नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी पसंदीदा फिल्म KGF 2 का आगे का सीक्वल KGF 3 की ताजा तरीन स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इसकी वो ताजा तरीन कहानी की वो सनसनीदार घटनाओं से आपका परिचय करवाऊंगी जिसके बारे में एक आम व्यक्ति, एक आम दर्शक सोच भी नहीं पाता है। बेटे ये मूवी है ना, वो ये देख लीजिए कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सारे ढर्रों से अलग हटकर एक नए रूप में आपके सामने आएगी। आपको लगेगा कि इस मूवी को हम हॉल में बैठ के देख रहे हैं, पर हम हॉल में नहीं बैठे हैं। इसकी सारी घटनाएं, इसके सारे दृश्य चारों तरफ आपके जैसे तैरते हुए आपके कानों के पास से सनसनी करते हुए निकल जाएंगे और आपको एक अलग ही रोमांच होगा इस मूवी को जब आप देखेंगे। तो ये मूवी हॉलीवुड की भी मानी हुई मूवियों को पछाड़ कर इस मूवी में आपके प्यारे और आपके जो बहुत ही पसंदीदा जो आपके एक्टर हैं यश रॉकी, उसका आप एक नया गेटअप देखेंगे, उसको एक नए रूप में आप देखेंगे और एक नए मिशन और विजन के रूप में देखेंगे। मैं वीडियो के अंत में उस राज से भी पर्दाफाश करूंगी कि आखिर जो रॉकी है वो इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहा है, क्या मकसद है उसका इतना सोना इकट्ठा करने का, आखिर उसकी मंजिल है क्या। कहानी में हम आगे चले, उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, प्लीज अपने कोमल से हाथों से उसको टच कर दीजिए और उसके पास एक बेल आइकन बना होगा उसे भी छूकर उसे ऑन कर दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात और मैं आपसे कह दूं, इस वीडियो को आप सेव करके रखना। क्यों? क्योंकि जब KGF 3 आएगी ना, तो आप मेरी स्टोरी लाइन से और अपनी KGF 3 की कहानी को तुलना तो करेंगे ना कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने कितना सच आपको बताया है। ये सारी कल्पनाएं मेरी बिल्कुल आकाश कुसुम थी। ओके, KGF 3 की कहानी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, काफी सारी थ्योरीज और कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। सबके अपने अपने व्यूज हैं, सब अपने अपने कल्पनाओं से KGF 3 की कल्पना कर रहे हैं और मैं सबके व्यूज की, सबके थ्योरीज की दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि हम सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है और हम सबके पास एक कल्पना शक्ति है। हम जैसे लोग ही स्क्रिप्ट, कहानियाँ, साहित्य वगैरह लिखते हैं तो निश्चित रूप से सब लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। नहीं उतरेगा कि रॉकी मर गया है, हम सब जानते हैं कि रॉकी मरा तो नहीं है, क्योंकि रॉकी जो इतना गैंगस्टर्स का भी गैंगस्टर्स है, जो इतना बड़ा मॉन्स्टर है जिसने सारे देशी गुंडों को और देश के बड़े बड़े गैंगस्टर को, इवन देन जो विदेशी गैंगस्टर थे उन सबको भी जिसने पानी पिला दिया है, राजनीति जिसके सामने बौनी पड़ गई और जो तो षड्यंत्रकारी जो राजनीतिक नेता हुआ करते थे वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर सके, तो इतनी आसानी से तो रॉकी मर नहीं सकता। हम सब जानते हैं ना, हमने उसको मरते हुए दिखाया भी नहीं है, KGF 2 में उसको मरते हुए दिखाया भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, KGF 3 की कहानी बिल्कुल वैसे ही शुरू होगी जैसे कि KGF 2 की कहानी शुरू हुई थी, जहां से KGF खत्म हुई थी वहां से KGF 2 की कहानी शुरू हुई और ये कहानी भी यहीं से शुरू होगी। KGF 3 की जो कहानी है वो भी यहीं से ही शुरू होगी। मैं आपको ये बता दूं मोटा मोटा कि इस KGF 3 में आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, KGF 3 में आपको जबरदस्त समुद्र युद्ध देखने को मिलेगा। अभी तक आपने KGF और KGF 2 ने जमीन का युद्ध देखा है ना, कि किस तरीके से जमीन में पे आपस में जबरदस्त फाइटिंग जो सीन थे वो आपने देखे हैं, लेकिन KGF 3 में आप ओशन में, समुद्र में जबरदस्त मिसाइल्स और जो युद्ध पोत होते हैं उनके, उनसे युद्ध करते हुए, पनडुब्बियों से युद्ध करते हुए, इस तरीके सारे सीन इसमें आप बहुत जबरदस्त देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप KGF 3 में कुछ हॉलीवुड के चेहरे भी देखेंगे, क्योंकि अब ये जो संघर्ष है वो राष्ट्रीय संघर्ष नहीं रहा है, अब ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के बीच में चीज पहुंच गई है, क्योंकि जब इसका रॉकी का जो जहाज डूबा है वो इंटरनेशनल वाटर के पास बिल्कुल डूबा है और इंटरनेशनल वाटर से वो पार कर जाता है बाद में और बहुत गहराई तक चला जाता है, जैसा हमें मालूम है 20,000 फीट तक उसका गहराई थी वहां पे, तो वो इंटरनेशनल वाटर में आ जाता, तो अब ये इंटरनेशनल मसला बन गया, तो हमको कुछ हॉलीवुड के चेहरे भी इसमें दिखाई देंगे।
साथी आपको यहाँ पर बाहुबली फेम प्रभास और आरआरआर फेम जो एंटी रामाराव जूनियर है वो भी गेस्ट रोल में दिखाई दे सकते हैं, और प्रकाश राज का बहुत बड़ा रोल इस मूवी में होने वाला है। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होगी कि रॉकी को भारत से निकलने का जो प्लान था, जो हमने लास्ट में देखा KGF 2 के सिनेमा, वो कोई नया प्लान नहीं था, कोई उसी समय का प्लान नहीं था, वो प्लान काफ़ी समय से सोचा समझा हुआ उसका प्लान था। इसके लिए वो बहुत समय से तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि अब भारत में, चूंकि भारत सरकार ही उसके विरुद्ध हो चुकी है और उसके पीछे लग चुकी है, रमिका सेन जैसा हम देख रहे हैं, तो उसे लग रहा था कि यहां से निकल जाना थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि वो अपने माँ का से एक वायदा कर चुका है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, और उसको चूंकि दुनिया से का अमीर आदमी बनना है, तो इस समय कहते हैं ना कि कई बार 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉकी 2 कदम पीछे हट रहा है, क्योंकि उसको 4 कदम आगे जाना है। तो KGF 3 के शुरू में ये दिखाया जाएगा कि रॉकी डूब रहा है और पानी में वो नीचे जाता जा रहा है, अचानक वो समुद्र से नीचे गिरता है, तो पूरा जो वाटरप्रूफ उसकी ड्रेस है, वो ड्रेस वो उसके मतलब इस तरीके की उसके पास, क्योंकि अब कुछ भी असंभव नहीं है रॉकी के लिए, उसके पास सारी टेक्निक है जो नई नई है, तो जो वाटरप्रूफ ड्रेस है वो पूरा पहन लेता है और पूरा ऑक्सीजन किट उसके पास है, और वो नीचे पानी में नीचे उतर रहा है कि अचानक उसके ऑक्सीजन किट में कुछ खराबी आ जाती है और उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये दिक्कत इसलिए और हो जाती है क्योंकि रॉकी के फेफड़े थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं KGF में कि उसको बचपन में निमोनिया हुआ था और पानी से वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ना, एलर्जी सी है उसको, तो पानी में जाते उसको ये थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है और उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो काफ़ी स्ट्रगल उस मूवी में आपको देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि मतलब उस समय आपकी सांस ऊंचे नीचे होने लगेंगी। तो वो एकदम पानी में उतरता चला जाता है और एकदम घबरा, ऐसा लगता है जैसे बस उसकी जान निकल जाएगी। इतने में ही उसको अपनी माँ ललकारती हुई दिखाई देती है। हम सब जानते हैं कि KGF और KGF 2 में जब जब रॉकी के ऊपर कोई भी संकट या वो किसी परेशानी में फंसा है तो माँ उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, माँ ही उसको हमेशा ललकारती है और उसको मोटिवेट करती है। तो जब वो पानी में छटपटा रहा होता है और जीने के लिए लड़ रहा होता है, तो उसे अपनी माँ की वही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर हिम्मत है और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम केवल जंग जीतोगे, लेकिन यदि 1000 लोगों ने ये हिम्मत जुटा ली और तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम दुनिया जीतोगे। रॉकी तुम्हें दुनिया जीतनी है और तुमने अब तक केवल भारत के लोगों में हिम्मत जुटाई है, KGF के लोगों में हिम्मत जुटाई थी और उसके बल पर तुम KGF के मालिक बने, लेकिन अब तुमको पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनमें हिम्मत जुटानी है और उनको एक करके और उनका नेतृत्व करना है, तब तुम दुनिया को जीतोगे। तो इस उसकी इस प्रेरणा से एकाएक जो रॉकी होता है उसके अंदर मतलब हिम्मत आने लगती है और वो अपनी सांसों को बटोरता है और सांसों को बटोर के और लड़ता लड़ाता संघर्ष करता हुआ वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब सवाल उठता है इसका डेस्टिनेशन क्या है, मैं आपको बताऊं उसका डेस्टिनेशन क्या है। जब वो ये प्लान करके गया था कि ऊपर जहाज है, जहाज में सारा सोना है और वो उसने वो मतलब जहाज के ऊपर खड़ा है, इधर इंडोनेशिया और अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो आ चुके हैं, भारत की जो नेवी है वो भी उस पर आक्रमण कर रही है, तो रॉकी ऐसे ही नहीं पहुंच गया था वहां पर, रॉकी पूरी तैयारी से गया था वहां पर। एक्चुअल में रॉकी वहां नीचे एक पनडुब्बी, जो पनडुब्बी होती है ना, उसे तैयार करके आया था और वो पनडुब्बी सारे आधुनिक जो हथियार होते हैं और जो भी टेक्निक होती हैं उन सबसे सुसज्जित थी और वही उसका डेस्टिनेशन होता है। इधर जब ये रॉकी अपने जीवन मरण के संघर्ष से लड़ रहा होता है और लेकिन जो जहाज है वो डूब रहा होता है, और जब जहाज डूब रहा होता है तो वहां पहले से प्लांड होते हैं लोग और जहाज में से जितने भी सोने के कंटेनर होते हैं वो सारे के सारे सोने के कंटेनर उस पनडुब्बी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और अब वो जो पनडुब्बी में जो उसके रॉकी के जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रॉकी वहां आएगा, लेकिन बहुत देर हो जाती है, रॉकी वहां नहीं आ रहा है। तब हम एकाएक वहां पर उसकी शक्ल देखते हैं जो इनायत खलील है ना वो, क्योंकि ये सारा प्लान रॉकी ने इनायत खलील की सहायता से बनाया था कि किस तरीके से मैं भारत से बाहर निकलूंगा और सारा सोना मैं लेकर आऊंगा और उस सोने को उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखना था। अब पनडुब्बी में जब वो नहीं पहुंचता है
रॉकी, तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जो इनायत खलील है ना उसके मन में थोड़े थोड़े से लड्डू फूटने लगते हैं कि चलो वो तो मारा गया और अब ये सारा का सारा सोना मेरा है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जो रॉकी होता है वो पनडुब्बी के जो बाहर है वो वहाँ हाथ पैर मार रहा है और इशारे कर रहा है अपने साथियों को, साथी उसे देख लेते हैं और रॉकी को अंदर ले लेते हैं। रॉकी का थोड़ा सा इलाज विलाज करते हैं थोड़ा सा और रॉकी ठीक हो जाता है। अब वो डेस्टिनेशन आप क्या है रॉकी का, वो मैं आपको बताती हूँ। वो डेस्टिनेशन है कि रॉकी ने पिछले 2-3 सालों में काफी खोज और अनुसंधान किए और खोज अनुसंधान करके उसके उसको लगा कि धरती के ऊपर तो ये सोना सुरक्षित रह नहीं सकता, यहाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस पर अपनी गिद्ध नजर डालेगा ही। और उसका एक उद्देश्य है सोने को, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि इस गोल्ड को इकट्ठा करने का इसका क्या उद्देश्य है, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगी। तो वो इस सोने को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसको समुद्र से बढ़िया कोई समुद्र अच्छी जगह नहीं दिखती है, तो वो समुद्र में ही काफी मतलब इतने दिनों से खोज और अनुसंधान कर रहा है और उसको समुद्र में वहीं पर 20,000 जो फीट की गहराई पर जहां उसने अपना जहाज खड़ा किया था नीचे उसको एक गुफा मिलती है, बहुत पुरानी कोई गुफा होती है और वो उस गुफा को बहुत ही सुसज्जित अपना अड्डा बना लेता है। अपन डुब्बी वहां पहुंचती है और वहां रॉकी के पास एक रिमोट होता है और उसका कोड होता है और उस कोड से वो उस गुफा के दरवाजे को खोलता है और अंदर देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार मतलब जगह की हमें दिखती है, बहुत ही रोशनी है उसमें और बहुत ही आधुनिक साफ सजा, मतलब पूरा नगर सा दिखाई देता है। और सब जने उसके अंदर जाते हैं और सारा सोना वहां उसके अंदर ट्रांसफर करके, और उसमें भी एक गुप्त जगह है वहां पर सोने को सुरक्षित रख दिया जाता है। अब रॉकी ने जो कुछ कमाया था अब तक, जो सोना इकट्ठा किया था, उसको तो उसने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है। अब बारी है उसको दुनिया जीतने की, अब उसको बाहर निकलना है और पूरी दुनिया को जीतना है। तो देखिए फिर वो क्या करता है पूरी दुनिया को जीतने के लिए, आगे की कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए आप। और आपका यदि कोई कल्पना में कोई विचार आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे वो क्या करेगा। इधर रॉकी को अब दुनिया जीतनी है, तो उसके पास पूरी दुनिया का जो गोल्ड के जो खदाने हैं, जो गोल्ड की माइंस हैं, उन सब का उसके पास पूरा ब्यौरा है। उसे मालूम है इंडोनेशिया के जो ग्रासबर्ग है उसमें बहुत सबसे बड़ी खान है, उसे मालूम है उज्बेकिस्तान का जो मरताऊ खदान है वो सबसे बड़ा है, अमेरिका का जो गोल्ड स्ट्राइक है वो सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सोना है। तो जितने भी दुनिया के जो सोने की खदान है उन सबका खाका उसके पास है और उन सब खदानों के मालिकों से भी उसके बहुत अच्छे रिलेशन है, वो जो वो मेंटेन कर चुका है अंतरराष्ट्रीय, उसको अंतरराष्ट्रीय मैदान में कूदना है तो इन सबसे वो पहले से ही बातचीत कर चुका है। और इसमें सबसे बड़ा साथ देता है उसका अमेरिका का जो गोल्ड स्ट्राइक खान का जो मालिक है जिमी कार्टर, वो इसका सबसे बड़ा साथ देता है। आपको याद आ रहा है कि जब वो रिमिका सेन से मिलने जाता है तो बाहर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम जिमी कार्टर है ना, वो कहता है मैं अमेरिका का सीईओ हूं, तो वो इस गोल्ड स्ट्राइक का सीईओ है। और वो और रॉकी दोनों मिलकर अब अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलते हैं। रॉकी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसको एक ड्रैगन से लड़ना है ना, उसके दिमाग में एक ड्रैगन, अभी बताऊंगी वो ड्रैगन कौन है, उसको एक ड्रैगन से लड़ना है, इसलिए उसको छोटी छोटी मछलियों को संतुष्ट करके रखना है। तो ये जितने भी इंडोनेशिया और जो उज्बेकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की और जिनकी ये दक्षिण अफ्रीका की ये जो खदाने हैं अमेरिका वगैरह के, इन सबसे वो मैत्री संबंध स्थापित करके और एक अंतर्राष्ट्रीय अलग से एक ग्रुप बन जाता है जिसका हेड होता है रॉकी, और सब लोग इसकी जो इसका नेतृत्व होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो देख चुके हैं कि रॉकी कितना हिम्मत वाला और किस तरीके से उसने केजीएफ का मालिक बना था। तो एक तरीके से जो रॉकी है वो इन सब का मालिक है, लेकिन उसने एक तरीके से फ्रेंचाइजी दे रखी है इनको, वो सब लोग वहां पर सोने का उत्पादन करते हैं और एक निश्चित हिस्सा रॉकी को पहुंचाते हैं और उसके एवज में रॉकी ने उनको ये वचन दे रखा कि वो उनके खानों को छेड़ेगा नहीं, उसका जो हिस्सा है वो रॉकी के पास आराम से आता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या होता है कि उसका जो निशाना, उसका जो निशाना है वो है ड्रैगन, कौन, चाइना। चाइना के पास बहुत बड़े सोने की खदानें हैं, हम सभी जानते हैं कि 2007 से चाइना दक्षिण अफ्रीका को नंबर एक पर था, उसको पछाड़कर और चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड का उत्पादन कर रहा है, तो उसके पास बहुत ज्यादा सोने की खाने थी। और जो रॉकी है उसका निशाना भी चाइना ही है कि किसी तरीके से चाइना की खदानों पर उसको अपना अधिकार करना है। वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ केजीएफ में हम देखते हैं कि वो मजदूर बनकर जाता है केजीएफ में और वहां के सारे मजदूरों को
अपने जो मसीही अंदाज है, जो हेल्प करने वाला उसका अंदाज है, उससे वो सारे मजदूरों को एक कर लेता है। इसी तरीके से जो रॉकी है वो चाइना की जो सोने की खदान है वहाँ प्लांट हो जाता है, और वहाँ के जो मजदूर हैं उन सबका वो हीरो बन जाता है, क्योंकि उसका अंदाज वही है मसीही। और वो वहाँ देखता है कि चाइना वहाँ किस तरीके से पाश्विकता क्रूरता का परिचय दे रहा है, मतलब KGF की क्रूरता, और वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अपन जो KGF 2 में देखेंगे ना, उससे भयंकर क्रूरता अपन KGF 3 में देखेंगे जो चाइना वहाँ के खदान मजदूरों के साथ कर रहा है। और उस पर तुर्रा ये कि चाइना की कोई भी चीज चाइना से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पर मीडिया को कोई आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। यदि बाहर कुछ भी चीज निकलने की कोशिश होती है तो फौरन उसको शूट कर दिया जाता है, और उसको परिवार को बहुत मतलब यातनाएं दी जाती हैं। तो इतनी यातनाओं में वो सारे खदान मालिक जी रहे हैं, लेकिन रॉकी अपनी इसी तरीके की तरकीबों से जो उसने KGF 2 में अपनाई थी वहां के मजदूरों को राहत प्रदान करता है, और धीरे 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 वो जो चाइना के जो मजदूर होते हैं उनका नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, और चाइना के खदानों पर उसका अधिकार होने लगता है। जब वो चाइना के खदानों का मालिक बन जाता है तो जो कम्युनिस्ट सरकार होती है वो भी उसका लोहा मानने लगती है। तो वहां की जो सरकार के लोग हैं वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, उनमें भी बहुत ज्यादा बेईमानी और रिश्वतखोरी है, तो वो लोग भी धीरे धीरे रॉकी से बड़े अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। रॉकी का तो निशाना यही है, लकी यही है कि वह चाइना की सरकार के अंदर घुसना चाहता है। तो रॉकी के चाइना की जो सरकार है उसके बहुत सारे प्रभावशाली लोगों से बड़े अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, और जब उसके कम्युनिस्ट सरकार से बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो उसको चाइना सरकार के बहुत सारे ऐसे रहस्य मालूम पड़ते हैं जिन्हें सुनकर वो एकदम उसका दिल दहल जाता है कि भारत के विरुद्ध ये कितना बड़ा षड्यंत्र करने जा रहा था चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर। और उसको एक बहुत बड़ी बात ये मालूम पड़ती है कि चाइना ने 62 में जो आक्रमण करके जो अक्षय चीन है जो भारत का एक हिस्सा है और जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है 1962 से, वो इसलिए किया था कि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड खदान है। ये रहस्य उसको मालूम पड़ जाता है रॉकी को। अब बस उसका लक्ष्य यही है कि इस खदान को कैसे भी अपने अधीन करें और अपने हाथ में ले। मैं आपको फिर बता दूं, मैं ब्लास्ट में बताऊंगी कि रॉकी का जो उद्देश्य है वो है क्या। रॉकी का उद्देश्य केवल सोना कमा के बहुत अमीर इंसान बनना नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा लक्ष्य है रॉकी का। हम सब जानते हैं बचपन से जब वो गर्भ में था तभी उसकी माँ उसको क्या संदेश देती थी, क्या प्रेरणा देती थी कि रॉकी तुमको बेसहाराओं का, दलितों का और जो शोषित है, पिछड़े है, गरीब है, उन सबका मसीहा बनना है। तो वास्तव में रॉकी एक मसीहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जहर को जहर से मारा जा सकता है, तो उसको बुरे आदमियों को खत्म करने के लिए ये गैंगस्टर बनना पड़ा, बुरा इंसान बनना पड़ा, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा इंसान जिंदा है, एक मसीहा जिंदा है जो वो दुनिया के तमाम जो दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन सबको भी वो उस शोषण से मुक्त करवा के और उन्हें एक खुशहाल जीवन देना चाहता है। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि अधीरा को नहीं भूल सकते। अधीरा एक घायल शेर है और हम सब जानते हैं कि जो घायल शेर होता है वो बहुत ज्यादा खूंखार हो जाता है, और रॉकी ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। अधीरा क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय जो गैंगस्टर्स हैं, जो समुद्री डाकू हैं, उन सारे, क्योंकि अधीरा को भी ये भनक मिल चुकी है कि रॉकी मरा नहीं है बल्कि रॉकी जिंदा है, क्योंकि वो भी जानता है कि रॉकी इतना नरम चारा नहीं है कि इस तरीके से मर जाएगा, और वो ये भी मालूम है कि रॉकी का सोना कहीं ना कहीं समुद्र में ही छिपा हुआ है। तो वो क्या करता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े समुद्री डाकू हैं उन सारे समुद्री डाकुओं को मिला के वो अपनी एक फौज बनाता है, एक संगठन बनाता है, और वो समुद्र में सोना ढूंढने का काम शुरू कर देता है, उसी एरिया में सोना ढूंढने का काम कर देता है, और उसको कुछ सूत्र भी हाथ लग जाते हैं। और जब वो सूत्र हाथ लगते हैं तो वो बहुत करीब पहुंच जाता है उस गुफा के जो कि अंडरवाटर अड्डा है, रॉकी का अंडरवाटर अड्डा है, वहां के करीब पहुंच जाता है। लेकिन हम सबको मालूम है कि जो उसका अड्डा है ना वो पूरा लेजर वेपन से सुरक्षित है, चारों तरफ लेजर जो वेपन है वो लगे हुए हैं, तो कोई उसके अंदर तक नहीं जा सकता। लेकिन अधीरा समुद्र डाकू के साथ भयंकर युद्ध करता है, और इधर रॉकी के जो लोग होते हैं वो उसकी सुरक्षा करते हैं उस गुफा की, और वो ही जबरदस्त जो फाइटिंग के सीन है आपको समुद्री लड़ाई के, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे।
उधर एक चीज बहुत बड़ा परिवर्तन होता है भारत में भी कि रमिका सेन है वो सफल नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत अच्छी कूटनीतिक प्रधानमंत्री नहीं है। उसमें ईमानदारी है लेकिन कूटनीतिकता का अभाव है और जो राजनीतिज्ञ है वो साम दम दंड भेद चारों चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो रमिका सेन इलेक्शन हार जाती है और जो हम प्रकाश राज जी को कैसे भूल सकते हैं। प्रकाश राज जी जिनके पास जो कि केजीएफ 2 के सूत्रधार थे और जिनको केजीएफ 2 की बहुत सारी कहानी मालूम थी वो रॉकी के से बराबर संपर्क में रहते हैं। उनकी और रॉकी की आपस में बातचीत होती रहती है और जितना भी जो एक लक्ष्य है रॉकी का लास्ट लक्ष्य है वो प्रकाश राज से शेयर कर केवल ये दो व्यक्ति जानते हैं कि अंत में उनको क्या करना है और प्रकाश राज पूरा सपोर्ट करता है रॉकी को। और इधर जो प्रकाश राज है वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स में आके फिर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब होता है असली खेल शुरू। इधर वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, उधर रॉकी को ये मालूम पड़ गया है कि जो अक्षय चीन को इसलिए हड़पाया चाइना ने क्योंकि वहां पर एक गोल्ड की खान की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड खान है इसलिए वहां पर हड़पा हुआ है। तो बस अब जो रॉकी है उसको भारत सरकार से भी हेल्प मिलना शुरू हो जाती है क्योंकि जो प्रकाश राज है वो रॉकी को पूरा साथ देते हैं। तो भारत सरकार की मशीनरी भी अंदर ही अंदर रॉकी को बहुत हेल्प करती है और इस तरीके से जो रॉकी होता है वो कम्युनिस्ट सरकार के जो लोग हैं उनसे उसका आना जाना है। ये काफी सारे उसको सैनिक और सामरिक रहस्य भी उसके हाथ लग जाते हैं और भारत का और चाइना का एक युद्ध होता है। इस युद्ध का सीन भी आपको इसमें जबरदस्त सीन देखने को मिलेगा और उस युद्ध में जैसा कि रॉकी हमेशा कहता है कि जंग होगा तो जीतूंगा तो मैं ही, और रॉकी इस जंग में इनडायरेक्टली भारत का साथ दे ही रहा है और रॉकी जीत जाता है चाइना हार जाता है। इस तरीके से जो रॉकी होता है उसका फिर सम्मान भारत में वापसी होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि रॉकी का अंतिम लक्ष्य है क्या। रॉकी का अंतिम लक्ष्य सोना कमाना नहीं था, सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो उसे बनना था, लेकिन वो अमीर आदमी क्यों बनना चाहता था क्योंकि उसने देखा था कि गरीबों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितने उनका किस तरीके से उनका शोषण होता है। और इस बीच में उसके पास ये सारी खबर आ जाती है कि जो उसने केजीएफ टाउन बसाया था रमिका सेन ने किस तरीके से उस केजीएफ टाउन को तहस नहस कर दिया और जो वहां जो सोने की खदानें थी उनमें खदानों का काम जो खुदाई का काम था वो बिल्कुल बंद हो चुका था और वहां के जो वहां के मजदूर थे वो सब मजदूर बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास कोई काम नहीं था क्योंकि खुदाई का काम तो बंद हो ही चुका था। क्योंकि रमिका सेन ने उस जब ये रॉकी बाहर आ जाता है तो रमिका सेन ने उस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया और हम सब जानते हैं कि जब किसी चीज का राष्ट्रीयकरण होता था सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और किस तरीके से किसी चीज को घुन की तरह धीरे धीरे खा जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो खान होती है वो अब फायदा का सौदा नहीं रही और जब फायदे का सौदा नहीं रही तो रमिका सेन उनको बंद कर देती है और जो वहां के जो मजदूर वगैरह होते हैं वो सब बहुत बेरोजगार हो जाते हैं। और अब ये वहां की हाल ये हो जाता है कि जहां वहां 24 घंटे बिजली आती थी अब ना कोई बिजली है, ना कोई वहां पानी है, ना ही वहां कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और चारों तरफ आप ये देख लीजिए कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहां कोई सैनिटरी सिस्टम नहीं है, कोई नालियां, कोई सड़क, कुछ भी नहीं है, लोग खुले में शौच कर रहे हैं और उससे वहां की जो हवा है वो बहुत ही जहरीली हो गई है। और एक चीज यहां फिर और दिखाएंगे आपको, मैं आपको बताऊं हकीकत है ये, वो भी चीज वहां दिखाएंगे कि चूहों ने वहां बड़ा आतंक मचा रखा है, लोगों का जीवन दूभर कर दिया है, लोग हजारों चूहों को मारते हैं। आपको है ना यह भी यहाँ कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे यहाँ पर चूहों के साथ जो वो मजदूर जो मोटिवेट कर रहे हैं उसमें आपको काफी सारे कॉमेडी सीन मिलेंगे और साथ में आपको एक बहुत ही मतलब संवेदनात्मक सीन भी देखने को मिलेंगे कि जो लोग हैं वो लंग कैंसर से, लीवर कैंसर से और जो वो सिलिकोसिस होती है बीमारी उससे ग्रसित हैं और वो ऐसे में ही मारे जा रहे हैं, भूख से परेशान हैं, भूख और गरीबी उनको खा रही है और जो उनका नगर था वो बिल्कुल कच्ची बस्ती बन चुका है और माइनिंग के कारण जो वहां बड़े बड़े साइनाइड हिल्स बन गए हैं जिससे सारी हवा जहरीली हो गई है और मतलब लोगों का जीवन बहुत ही दूभर हो गया है। जब रॉकी यहाँ लौटता है तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि मैं इस केजीएफ का पुनरुत्थान करूंगा। तो वो प्रकाश राज के सामने यही अपनी
जो उसकी योजना है उस योजना को वो क्या रखता कि देखो मेरा तो एक ही उद्देश्य था कि मैं दुनिया के सारे मजदूरों को उनका हक दिलाना चाहता हूँ, केवल भारत के नहीं सारे मजदूरों को मैं हक दिलाना चाहता हूँ। और ये काम मैंने इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया या आपका उज्बेकिस्तान रशिया जहाँ जहाँ भी सोने की खदानें हैं मैंने सबके वहाँ के मालिकों से इसी शर्त पर उनको फ्रेंचाइजी दी हुई है कि वहां के मजदूरों के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं होगी और उन सबके रहने और खाने की अच्छे प्रबंध करेंगे। जैसे मैंने केजीएफ का नगर बसाया था ऐसे सब लोग आप केजीएफ का नगर बसाएंगे, उनको पूरी तरीके से उनको पगार मिलेगी, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, एक समय उम्र की सीमा होगी, उसके बाद उन पर काम की कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरीके से उसने सारे जो गोल्ड माइंस के जो मजदूर हैं पूरी दुनिया के उन सबके लिए उसने एक तरीके से राम राज्य ला दिया है। और अब उसकी जो उसका मन है वो यह है कि वो केजीएफ की जो खदान है उनका पुनरुत्थान करेगा। और वो एक बहुत बड़ा रहस्य ये खोलता है प्रकाश राज के सामने कि तब प्रकाश राज पूछते हैं कि क्यों हम खदानों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सौदे का मतलब घाटे का सौदा है, फायदा तो होगा नहीं। तब जो रॉकी होता है वो एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है कि नहीं अभी तो मैं नहीं मालूम है, अभी तो जो केजीएफ का जो एरिया था ना उस आधे एरिए में भी खुदाई नहीं हुई है। जो केजीएफ का एरिया है वो 12,500 एकड़ का एरिया था, उसके आधे भाग में भी खुदाई नहीं हुई है। अभी लगभग 10,000 करोड़ टन सोना केजीएफ में है और जिसे हम निकालेंगे और अपने देश को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो बस रॉकी उसी काम में लग जाता है और वो अब बिल्कुल न्याय संगत तरीके से वो सोना सरकार के अधीन उसका निजीकरण कर दिया जाता है, मतलब राष्ट्रीयकरण से हटा के उसका निजीकरण कर दिया जाता है और उस कंपनी का सीईओ है रॉकी है और वो सोना वहां से निकलता है जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए, भारत को पुनः भारत दुनिया की सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से जो केजीएफ 3 का जो रॉकी है वो एक मसीहा के रूप में दुनिया के सामने स्थापित हो जाता है। ये होगी केजीएफ 3 की कहानी, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। देखें आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स देके मुझे जरूर बताएं कि आपको इसमें कितने % सच्चाई लग रही है। थैंक यू।